आज मैं आपको एक हॉरर शॉर्ट फिल्म एसिमेट्री एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये अल्टर की एक स्टोरी है। इस शॉर्ट फिल्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। मैं जो वीडियोस डालता हूँ जो मूवीज की होती है, ये एक एक दिन के बाद आने वाली है, तो बीच बीच में ये शॉर्ट फिल्म की स्टोरीज में डालता रहूंगा। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है क्वेश्चन और आंसर्स के लिए, तो वो आप अपने क्वेश्चन कॉमेंट में लिख सकते हो। वैसे भी मैं कम्युनिटी पोस्ट करने वाला हूँ, तो वहाँ भी आप बता सकते हो। जल्द से जल्द हम वीडियो लाएंगे। तो अब वीडियो पर फोकस करते हैं। ये जो हमारी फिल्म है ए सेमेट्री, एक सीरियल किलर के बारे में है। मूवी स्टार्ट होती है और मैं एक कोट आता है, इसमें लिखा होता है कि मुझे ब्यूटी बहुत पसंद है, मुझे सब कुछ परफेक्ट पसंद आता है। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। मूवी स्टार्ट होती है और एक लड़का और लड़की हमें स्ट्रीट से जाते हुए दिखते हैं। ये लंदन की एक कॉलोनी है। ये दोनों आज बाइबल सेल कर रहे होते हैं, अपना मैसेज और रिलीजन सबको समझाना चाहते हैं। इसी वजह से ये डोर टू डोर जा रहे हैं और सबको बाइबल सेल करते हैं। लड़की आज फ्रस्ट्रेटेड है, इनकी बात इनका मैसेज आज किसी ने भी नहीं सुना है। इसका फ्रेंड इसे कहता है कि और एक घर हम ट्राई करते हैं, शायद यहाँ कुछ सुनने वाला हो। इसकी इच्छा नहीं होती पर फिर भी ये मान जाती है। ये डोर खटखटाते हैं और वहां से एक वेल ड्रेस आदमी बाहर आता है। ये बहुत ही वेल मैरिड होता है। ये दोनों जब कहते हैं कि उसे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी है, पर ये कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनसे बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आता है। ये फिर इसे कहते हैं कि क्या आप गॉड पर बिलीव करते हो। ये कहता है कि प्लीज अंदर आ जाओ, यानी कि बिलीव करता है और एक स्माइल देता है। अंदर आने से पहले इन्हें अपने शूज बाहर निकालने के लिए कहता है। इस लड़की से बहुत अच्छी खुशबू इसे आती है। ये पूछता है कि बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, ये कौन सा है। कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, इसका नाम बताती है। इस होम ओनर को लगता है कि जो लड़का इस लड़की के साथ है यही उसका हस्बैंड होगा, पर ऐसा नहीं होता। ये अंदर जाते हैं और सब बैठते हैं। इनमें जरा ऑकवर्डनेस होता है। ये ऑकवर्डनेस दूर कराने के लिए एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। यहाँ पर लड़की कहती है कि आजकल लोगों को सुनने के लिए कुछ टाइम ही नहीं होता। होम ओनर कहता है कि लंदन की लाइफ ही ऐसी है, सब लोग बिजी होते हैं। ये लड़की कहती है कि आज तुम हमारी सुन रहे हो, ये हमारे लिए लकी है। होम ओनर क्रीपी हुई आवाज में कहता है कि ये तो है। यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्डनेस हमें इस सिचुएशन में दिखती है। इस ऑकवर्डनेस को दूर कराने के लिए होम ओनर कहता है कि तुम आए हो, मुझे तुम्हें चाय ऑफर करनी चाहिए थी, मेरे मैनर्स कहाँ है। वो फिर उठ जाता है और चाय रेडी करता है। इस चाय में वो ड्रग्स मिला देता है जिससे ये दोनों बेहोश हो जाए। चाय पीते पीते बाइबल वो डिस्कस करने लग जाते हैं। इस होमओनर का फेवरेट पार्ट वो होता है जिसमें गॉड डेविल के बारे में बात करता है। होमओनर चाय नहीं पी रहा होता तो ये दोनों पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं पी रहे। ये कहता है कि चाय जब मैं पीता हूँ तो मुझे जरा अलग महसूस होता है, ज्यादा चाय मेरी सेहत के लिए सही नहीं है। ये लड़की भी रिलेट करती है और कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, ये शुगर की वजह से होता है। ये कहकर और एक शुगर का क्यूब वो ले रही होती है, पर ये होम ओनर उसे रोक लेता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगा। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही क्रीपी है। ये ऑकवर्ड साइलेंस है पर फिर भी ये चाय पीते हैं। इसके बाद ये दोनों बेहोश होकर वही गिर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि होम ओनर एक सीरियल किलर है। इन दोनों को अपनी लैब में वो लेकर जाता है। वहां पर इन दोनों को मारकर इनकी स्किन निकालकर इनके अंदर सब भूसा वगैरह भरकर उन्हें वो स्टफ कर देता है। इन दोनों की स्किन कभी खराब ना हो इसलिए इस पर वर्क करता है। इन दोनों के सही से पुतले वो बना देता है और एक रूम में जाकर रख आता है। जब हम इस रूम को देखते हैं तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ है। अगले कुछ सीन्स में हमें दिखता है कि जो भी लोग यहाँ इसके घर पर आते हैं और इसे कुछ सेल करना चाहते हैं, इन सब लोगों को मार डालता है। थोड़े दिनों बाद एक आदमी इसके डोर पर आता है। उसे कहता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो। होमन कहता है कि हाँ, थोड़े दिनों पहले ये आई थी। ये कहता है कि मुझे सही से याद नहीं आ रहा, क्यों ना तुम अंदर आ जाओ। हस्बैंड को अंदर बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टी बनाता हूँ, मुझे तब तक सब कुछ याद आ जाएगा। हस्बैंड कहता है कि मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से मुझे बता दो कि तुम्हें क्या पता है और इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। होम ओनर टी के लिए इंसिस्ट करता है। हस्बैंड को घर में उसकी वाइफ का स्मेल भी आता है। ये इसके बारे में पूछता है तो होम ओनर कहता है ये मेरे मदर का परफ्यूम है, वो अभी अभी यहाँ आई थी। वो परफ्यूम का नाम भी लेता है। उस लड़की ने परफ्यूम का नाम बताया था और यही इस परफ्यूम का नाम है, तो हस्बैंड को ज्यादा शक नहीं जाता। जब ये हस्बैंड लिविंग रूम में आता है तो बाइबल देखता है। उसने अपनी वाइफ को एक गिफ्ट की थी और उस पर उसकी वाइफ का नाम है। जब ये देख ही रहा होता है तब होम ओनर एक प्लास्टिक की बैग लेकर इसका दम घुटा देता है। ये बेहोश हो चुका है और होम ओनर अब उसकी लैब में इस हस्बैंड को लेकर आता है। होम ओनर अब इसे भी काटने वाला होता है पर हस्बैंड जिंदा है, उसके हाथ थरथरा रहे हैं, यानी कभी भी होश में आ सकता है। हमें लगता है कि अब इन दोनों में फाइट होगी पर ये ओनर उसे मार डालता है। ये ओनर हस्बैंड को जब काट रहा होता है तब उसके पास एक लॉकेट उसे मिलता है। इसके बाद
होम ओनर टब में है, हस्बैंड का हाथ उसने काट लिया है और इस हाथ में सिगरेट रख कर सिगरेट वो पी रहा है। बाथ टब में पानी की जगह खून है। हस्बैंड का जो लॉकेट था ये उसने डिब्बी में बंद करके रखा है। कुछ मर्डर याद रखने के लिए उनकी चीजें वो डिब्बी में बंद करके रख देता है। यही मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में हम देखते हैं तो जो सीरियल किलर है ये बहुत ही वेल ड्रेस्ड है, वेल मैनर्ड है, सही से बातें करता है, पर फिर भी इनकी कन्वर्सेशन में कुछ ऑकवर्डनेस है। जब लड़की से बात कर रही थी तब इसे पता चल गया था ये कुछ ऑकवर्ड है। ये किलर ने इसे शुगर लेने से मना कर दिया था। इनके बीच में सही से बात करने के लिए कुछ चीजें नहीं थी। किलर डिविल पर बिलीव करता है, ये उस लड़की और लड़की को पता था पर सिर्फ उसका रिस्पेक्ट करने के लिए उसके साथ बैठे हुए थे। ये गलती उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुई। मूवी के ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए डायरेक्टर ने भी यही कहा है, तो इविल है ये हमेशा ब्यूटीफुल रूप लेकर आपके सामने आता है। मूवी के फर्स्ट ने हमने कोट देखा था कि परफेक्शन एक सही बात नहीं है, इसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ये सीरियल किलर परफेक्ट था पर क्या ये सही था? आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं और भी शॉर्ट स्टोरीज लाने वाला हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।